अगर आप भी चाहते हैं अपने पसंदीदा शुद्धता, गुणवत्ता और विश्वसनीयता से पूर्ण आभूषण खरीदना, तो आपके अपने ही शहर में स्थित दीक्षित ज्वेलर्स शिमला चले आना। दीक्षित ज्वेलर्स, जीवनदीप निवास, बाईपास रोड, BCS शिमला। संपर्क करें 01772671115। अगर आप भी चाहते हैं अपने बच्चे का सर्वांगीण विकास, तो यहाँ आकर पूरी होगी आपकी हर एक आस। सरस्वती विद्या मंदिर हाई स्कूल कमला नगर शिमला। सत्र 2024 और 25 के लिए प्री नर्सरी, नर्सरी और केजी के लिए प्रवेश प्रारंभ 1 दिसंबर 2023 से 31 दिसंबर 2023 तक और पहली से 9वीं कक्षा के लिए प्रवेश प्रारंभ 1 जनवरी 2024 से 28 जनवरी 2024 तक। तो जल्दी कीजिए, भारतीय सांस्कृतिक मूल्यों और संस्कार युक्त शिक्षण संस्थान के लिए एकमात्र विकल्प आपके अपने शहर शिमला में सरस्वती विद्या मंदिर हाई स्कूल कमला नगर। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 8278810797 पर। बिलासपुर में मंगलवार को स्थानीय शहर के HRTC वर्कशॉप निहाल के ग्रामीणों ने अतिक्रमण के खिलाफ SDM सदर अभिषेक गर्ग को ज्ञापन सौंपा। इस अवसर पर प्रतिनिधि मंडल में शामिल ग्रामीणों ने बताया कि निहाल में कुछ लोगों द्वारा सरकारी नाले के पास अतिक्रमण किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इस बारे में पुलिस और राजस्व विभाग को भी सूचित किया गया था, बावजूद इसके यहाँ कानून की अवहेलना कर अतिक्रमण किया जा रहा है। उन्होंने जिला प्रशासन के इस अतिक्रमण को रोकने के लिए उचित प्रभावी कदम उठाने की मांग की है। एक बहुत गंभीर समस्या निहाल गांव में HRTC कॉलोनी के साथ जो लोग वहां मकान बना के रह रहे हैं, वहां एक बहुत बड़ा नाला था और उस नाले में वो बरसाती नाला था, बहुत भयंकर आता था। हमने सरकार से मांग की और कि इस नाले को चैनलाइज किया जाए और सरकार ने हमारी बात को मानी और उसमें 25-30 लाख रुपए खर्च किए, उन्होंने चैनलाइज किया, चैनलाइज हो गया। लेकिन उसके बाद एक वहीं का एक गांव का व्यक्ति वो अपने परिवार को लेकर उस पर कब्जा कर रहा है, रास्ता बंद कर रहा है और उसमें कंक्रीटी तार लाने की कोशिश कर रहा है। हमने कई बार उनको इनकार की, फिर भी हमने फिर पुलिस में उनकी कंप्लेंट की और पुलिस वालों ने जब गए मौके पर, उन्होंने कहा कि आप रेवेन्यू से बात की। जब हमने रेवेन्यू से बात की तो रेवेन्यू वाले तहसीलदार साहब से हम मिले, तहसीलदार साहब ने हमारे को मार करके कानगो और पटवारी जी को, और उन्होंने मौके पर जाके उन्होंने बोला कुछ जो हमारा रिकॉर्ड है वो मिल रहा है लेकिन वो सरकारी ज़मीन है। उन्होंने बोला जो रिकॉर्ड है उसको दुरुस्त करेंगे और जब तक इसमें नोटिस उन्होंने दे दिया कि कोई कार्य नहीं किया। लेकिन आए दिन वो एक जो उनका लड़का है संतोष, वो F1 कंपनी में कोई कार्यरत है, अधिकारी है, इंजीनियर है, ये नहीं पता। लेकिन वो उनसे SP साहब से कहते बोल के फ़ोन करके 2 बार SHO को भेज दिया, हालांकि कंप्लेंट हमने पहले की थी। तो SHO साहब को हमने बोला कि आप क्यों आ रहे हैं, कहते कर दो। मैंने कैसे कर दे आप बताओ। उन्होंने बोला कि रेवेन्यू का रिकॉर्ड, हमने उनको रेवेन्यू का रिकॉर्ड बताया तो उन्होंने भी कहा कि ये गलत है, जब तक ये काम नहीं होता तब। लेकिन फिर भी वो ज़बरदस्ती कर रहे हैं अपने परिवार वालों को लाके, इसे लोगों में बहुत बड़ी अपने तनाव की स्थिति है, कोई लड़ाई झगड़ा हो सकता है तो उसमें प्रशासन उसका जिम्मेदार है। हम SDM साहब के पास आज डेप्यूटेशन मिल रहे हैं कि इसको तुरंत बंद करवाया जाए और सरकारी भूमि पर, जो सरकार ने इतना पैसा खर्चा किसके लिए, लोगों के लिए, और एक व्यक्ति आके वो कब्जा करे और लोगों को रास्ता भी ना दे, ये बहुत बड़ी दुर्भाग्य और स्थिति है। तो SDM साहब से हमारा अनुरोध है कि इस जो स्थिति है इसको। सिटी चैनल के लिए बिलासपुर से सुभाष की रिपोर्ट।